अगर आपने अपने आसपास ऐसे पक्षी देखे हैं जो थोड़ा बहुत अजीब हैं, तो अपनी यादों को ताजा कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले पक्षियों की इन्फॉर्मेशन। और अगर आपने इनमें से कोई पक्षी पहले देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ एकदम आखिर तक, क्योंकि आखिरी कुछ पक्षियों के वीडियोज और उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत जबरदस्त है। डिजिटली वेलकम टू बर्ड्स वर्ल्ड। पैराडाइज फ्लाई कैचर। बेहद खूबसूरत से दिखने वाले पैराडाइज फ्लाई कैचर की स्पीशीज में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो इनकी पूंछ काफी लंबी होती है, सिर पे गहरा नीला रंग होता है और बाकी का शरीर सफेद रंग का होता है। इनकी पूंछ इतनी लंबी होती है कि आपको देखकर लगता है कि भाई पूंछ पर किसी ने रिबन बांध दिया हो। लेकिन फीमेल की बात करें तो इनका पंखों और पूंछ वाला हिस्सा ब्राउन कलर का होता है, पेट वाला हिस्सा सफेद रंग का होता है और सिर गहरे नीले रंग का होता है। इनकी पूंछ लंबी और छोटी दोनों हो सकते हैं। इन्हें ज्यादातर फ्रूट्स और उड़ते हुए इंसेक्टिसाइड खाना पसंद होता है। रेडनेक टेनेचर। ब्राजील के समुद्र किनारों पर और अर्जेंटीना में पाया जाने वाला ये पक्षी दुनिया का सबसे छोटा और खूबसूरत पक्षी माना जाता है। इसके गर्दन पे लाल रंग का होना इसे बहुत सुंदर बनाता है और इसी वजह से इसे रेडनेक टेनेचर कहा जाता है। लेकिन इसका पूरा शरीर अलग अलग रंगों से भरा होता है। इसके सिर पे बैंगनी रंग और बाकी हिस्से पर हरे रंग के साथ दूसरे और भी रंग मौजूद होते हैं। इन्हें छोटे पौधों की कोमल पत्तियां, इंसेक्टिसाइड्स और फल खाना पसंद होता है। इन पक्षियों की खूबसूरती अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है और आपका मन कर रहा है इन्हें देखने का, तो फिर इन्हें देखने के लिए आपको ब्राजील की टिकट बुक करानी होगी या फिर अर्जेंटीना जाना होगा। लेडी एमहर्स्ट फेसेंट। ये पक्षी साउथ चाइना में पाया जाता है। इस पक्षी को लोग डायमंड फेसेंट भी कहते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों की श्रेणी में शामिल इस पक्षी की लंबाई 100 से 120 सेंटीमीटर के करीब हो सकती है और इसकी पूंछ का हिस्सा ही कम से कम 80 सेंटीमीटर का होता है। इसके शरीर पर अलग अलग तरह के रंग होते हैं। पंखों का अलग अलग रंग इसे बहुत खूबसूरत बनाता है। नीला, लाल, सफेद और काला जैसे चटक रंग इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। और जब भी ये अपने नेचुरल एटमोस्फेयर में होते हैं, इनकी एक्टिविटीज को देखना बहुत ही हार्ट टचिंग होता है। दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। आइसोलेटेड टर्की। तुर्की में पाया जाने वाला ये पक्षी दिखने में किसी मोर की तरह नजर आता है, लेकिन ये मोर नहीं बल्कि उससे अलग तरह का बर्ड है। इन पक्षियों में मेल का वजन 4 से 5 किलो तक हो सकता है और फीमेल का वजन उससे कुछ कम, यानी लगभग 4 किलो होता है। इनके पंख रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन जब इनके पंख खुलते हैं तो इनकी खूबसूरती का नजारा देखने लायक होता है। हालांकि ये मोर की तरह तो नहीं खुलते, लेकिन फिर भी ये देखने लायक होते हैं। रेड एंड येलो बारबेट। पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले ये पक्षी अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। दिखने में बहुत ही खूबसूरत इन पक्षियों के पंख लाल और पीले रंग से मिलकर बनते हैं। हालांकि इसके अलावा उनके पंखों पे काला रंग भी देखने को मिलता है, जिस पर सफेद रंग के धब्बे इन्हें बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। इन स्पीशीज के पक्षियों की फीमेल भी काफी खूबसूरत होती है, लेकिन मेल और फीमेल के बीच एक डिफरेंस होता है। मेल के सर पे एक लाल और येलो रंग का क्राउन होता है, जो फीमेल के सर पे नहीं होता। सेक्रेटरी बर्ड। साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले इस पक्षी को किलर क्वीन भी कहा जाता है। ये दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। इसकी लंबाई 3 से 4 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 3 से 4 किलो तक होता है। इनकी चोंच के पास ऑरेंज रंग होता है और उनके पूरे शरीर पर ग्रे, ब्लैक और सफेद रंग होता है, जो इन्हें बहुत ही खूबसूरत बनाता है। पंखों से ही इनके सिर के आसपास एक क्राउन जैसा डिजाइन नजर आता है, जो कि नेचुरली होता है और इन्हें और भी खूबसूरत बनाता है। ये ज्यादातर सूखी घास वाले इलाकों में पाए जाते हैं। अगर आप इन्हें पहली नजर में देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी ईगल को देख रहे हैं, लेकिन ये ईगल से डिफरेंट स्पीशीज के पक्षी हैं। काकापो पैरेट। आपने अक्सर हरे रंग के तोते देखे होंगे जिनकी चोंच लाल रंग की होती है, लेकिन हम आपको न्यूजीलैंड लिए चलते हैं, जहां आपको पैरेट तो हरे रंग का मिलेगा, लेकिन इसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये तोता नहीं बल्कि उल्लू है। शरीर पे कुछ भी होता है, लेकिन सोच बिल्कुल तोते जैसी होती है। सामने से देखने पे ये उल्लू की तरह नजर आता है। इसे आउल पैरेट भी कहते हैं। इनके पैर साधारण पैरेट के अकॉर्डिंग बड़े, लेकिन उनके पंजे छोटे छोटे होते हैं। इन पैरेट्स का साइज जबरदस्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये मिट्ठू आपको पसंद आया होगा और इसके साथ ही पसंद आ रही होगी हमारी ये वीडियो भी। अगर हाँ तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तो जरूर देंगे। मैग्निफिसेंट राफल बर्ड। इन पक्षियों को दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों के लिस्ट में शामिल किया गया है। इन पक्षियों में मेल के शरीर का ऊपरी हिस्सा काले रंग का होता है, लेकिन उसके गर्दन पे एक इंद्रधनुष के रंग की पट्टी होती है
जो सूरज की रोशनी में बहुत ही खूबसूरत लगती है। साथ ही उनके पंख भी कुछ इस डिजाइन में खुलते हैं, जैसा डिजाइन ब्रिटिश फौज की राइफल ब्रिगेड में मौजूद है, इसलिए इसे मैग्निफिसेंट राइफल बर्ड कहते हैं। जब ये अपने ब्लैक कलर के पंखों के साथ गर्दन पे लगे ब्लू कलर के बैंड को पूरी तरह से फैलाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी आवाज भी बहुत मधुर होती है, हालांकि इनकी फीमेल भी उतनी ही खूबसूरत होती हैं। वो ब्राउन कलर की होती है। इन्हें फ्रूट्स और छोटे छोटे इंसेक्टिसाइड्स खाना पसंद होता है। बाली मैना। केवल इंडोनेशिया के द्वीप पर पाए जाने वाले ये पक्षी स्टर्लिंग परिवार से आते हैं। इन पक्षियों की सबसे बड़ी खूबसूरती इनका कलर कॉम्बिनेशन है। जहां इनका पूरा शरीर सफेद रंग का है, वहीं इनकी पूंछ का कुछ हिस्सा काले रंग का होता है और उसके आसपास का हिस्सा नीले रंग का होता है। हालांकि बाली की ये प्रजाति आज खतरे में है और ये दुनिया में सबसे कम बची स्पीशीज में से एक है। अगर आप इस पक्षी को देखना चाहते हैं तो आपको इंडोनेशिया जाना पड़ेगा। इंग्लिश पॉटर पिजन। कबूतरों की ये प्रजाति आम कबूतरों से अलग है। इंग्लैंड में पाई जाने वाली कबूतरों की इस रॉयल प्रजाति का क्रेज काफी ज्यादा है। दरअसल इन्हें तीन अलग अलग प्रजाति के कबूतरों से क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। जहां आम कबूतरों की क्रॉप नॉर्मल होती है और उसमें वो अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, वहीं इन कबूतरों की क्रॉप कुछ इस तरह की होती है जो देखने में जबरदस्त लगती है। अब इनके पैरों को देखिए, लगभग 3 से 7 सेंटीमीटर के इनके पैर आपको हैरान कर देंगे। ये कबूतर पालतू भी हैं और लोग इन्हें पालना पसंद भी करते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या आप भी इन कबूतरों को पालना पसंद करेंगे? वैसे कबूतर का नाम सुनते ही लव बर्ड्स के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपने बॉलीवुड फिल्म मैंने प्यार किया का वो गाना तो सुना ही होगा जो कबूतर पे बेस्ड है। क्यों, याद आ रहा है ना? अगर नहीं तो चलिए मैं बता देता हूँ वो गाना। कबूतर जा जा जा, प्यार की चिट्ठी दिलबर को दिया। वैसे मुझे गानों की यही लाइन याद है, अगर आपको कुछ और याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ खूबसूरत पक्षियों से सजे कुछ वीडियोस। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसका दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।